नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे कोन रहिछि हेडलाइन्स तापे नजर पकाइ नबा। ग्राहक बेसरे माड़ी बसिला क्राइम ब्रांच एसटीएफ जलेश्वर दुई केजी अधिक ब्राउन सुगर जबत अनुमानिक मूल्य 2 कोटी टंका तीन जन गिरफ धराजहर लिक नहीं चली खोलता। राज्य में 8000 तलू खसला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 7738 पॉजिटिव चिन्हट दिनक महामारी नेला आउ 39 जीवन देश में आउ 1,32,000 नुआ आक्रांत। आज खोल कि टीका ग्लोबल टेंडर कंपनी आग्रह प्रकाश करुनथिबारो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को चिठी लिखिता राज्य पुणी तारीख घुंचाई पारती सरकार। पुणि रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला आरबीआई लगातार षष्ठ थर पर हेलानी परिवर्तन रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट रहा 3.35%। मंदिर भितरे भालू नवरंगपुर सिंधीगुड़ा बड़ देवता मंदिर भितरे भालू पल सकालु सकालु देखी भयभीत स्थानीय लोके समस्ते मिसी घोड़ाइले वन विभाग नजर रखा दावी। एवं स्लोगान रे सीमित मुंड उपरे पक्का घर फनीर 2 वर्ष पर भी विपन्न को मिलनी घर भंगा कुड़िया रे कटुची अनेकों जीवन उपकूल ओडिशा रे सबुबेले बात्या आशंका रही भी पक्का घर न मिलवा को नहीं उठिला प्रश्न। बुलेटिन आरंभ करिबा वर्तमान समय एक बड़ खबर बालेश्वर जलेश्वर रे क्राइम ब्रांच एसटीएफ चढ़ऊ 2 केजी रु अधिक ब्राउन सुगर जबत कर जबत ब्राउन सुगर रो अनुमानिक मूल्य 2 कोटी टंका हेबो बोली सूचना मिली। यासह तीन जन को गिरफ्त कर एसटीएफ ब्राउन सुगर बिकवा को जगिता बेले ग्राहक विषय माड़ी बसला एसटीएफ तीन बेपारी को धड़ाझर लिंक नहीं चली खोलताड़। संतोष जेना आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि बाबद आलोचना आम सहित जोड़ संतोष जहां खबर आसूसी बालेश्वर जलेश्वर क्राइम ब्रांच एसटीएफ चढ़ऊ कर 2 केजी रु अधिक ब्राउन सुगर जबत करपरेसन केमती पूरा घटना कौन जानवाक चाहिए। देखो निश्चित ब्राउन सुगर रेठस्थल बालेश्वर जलेश्वर कहुपी कहुशा को जिते इन हो प्रमुख भाव एसटीएफ क्राइम ब्रांच रेह जगार ही केवल जलेश्वर में ही कौटना कौटी एभली बेपार चलिए विशेष भाव में क्राइम ब्रांच एसटीएफ जगह को फोकस को नहीं गत काली जिते ग्राहक बेस में एसटीएफ रु चार जन अफिसर से जाते ग्राहक बेस में अपेक्षा करते जिते से बेपारी मैंने पखापाखि 2 केजी ब्राउन सुगर डिलिंग करुते से ही समय से ग्राहक साथी धरपकड़ करते बर्तमान समय सूचना अच्छी आन जन बेपारी लिंक रही से तीन जन बेपारी बर्तमान समय स्कानर कणाई से खोलताड़ करा विशेष भाव में एसटीएफ जो स्पेशल ड्राइव चलती पाखापाखि 2 केजी ब्राउन सुगार रूल्य पाखापाखि 2 कोटी रु अधिक टंका हम और स्पेशल ड्राइव में अनेक थर रेड मरागलाक ब्राउन सुगार को जबत करनेक पेडलर बेपारी मैंने गिरफ्त हो सारे एवं फोकस से ही जगह को पश्चिमबंग रुशार किंगपिन किए किए सब मगुच्छ अन्य राज्य गुड़ी को सही लिंक को खोलताड़ करने वर्तमान समय एसटीएफ लागी पड़ी और जेपर्यंत से ही लिंक पाखे एसटीएफ न पहुंची ब्राउन सुगार रो बिजनेस कदापि बंद हेबना ओडिशा पुलिस एक प्रकार निष्पत्ति शेष निष्पत्ति पहुंची और से ही लिंक को बर्तमान खोलताड़ चली जो तीन बेपारी सामना को विरोध में बर्तमान कार्यानुषान बर्तमान समय सूचना मिली। ओके बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जेना भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़े जहाँ से कहते कौटना कौटी एसटीएफ पूरा नजर रखी जेहेतु बालेश्वर जलेश्वर बारंबार एभली धरा जहर कारबार कथा सामना को आसुच्छे तेणु एसटीएफ स्कानर में बेपारी मैंने रही जमीक पुलिस ग्राहक विषय अर्थात एसटीएफ ग्राहक विषय में जाता और जितेबले बिक्री करते एसटीएफ का चढ़ऊ करता और बालेश्वर जलेश्वर चित्र सामना को आसुच्छे पाखापाखि 2 केजी रु अधिक ब्राउन सुगर जबत कर यार आनुमानिक मूल्य कहु 2 कोटी टंका तेज एन जन को बर्तमान सुधा गिरफ्त कर धड़ा जहर कारबार क्यों पर्यंत लंबी पुलिस आप नजर रखी यार मध्य आहरी जम प्रतिनिधि संतोष कहते आहरी 2 रु 3 जन बर्तमान एसटीएफ स्कानर में रही पाखे पुलिस केवे पहुंचुची नजर रहा।
परवर्ती खबर को देशरे लगातार कमुची संक्रमण गत 24 घंटा रे आउ 132,364 जण कोरोना आक्रांत चिन्हट होईछंती सेपि 2713 जण को कोरोना रे मृत्यु होईछे सेबडे 207,071 जण कोरोना रु सुस्थ होईछंती लगातार 22 दिन रे देशरे सर्वाधिक आक्रांत सुस्थ होईछंती अनेक पक्षरे एजाबत 2,65,97,665 जन सुस्थ होती सेपरी वर्तमान सुधा देश में 22,41,09,448 जन वैक्सीन नहीं सारे अमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हैरिसको सह कथाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कोविड महामारी सह लड़ा टीका जोगाइ देबा अमेरिका सहयोग हाथ बढ़ाई धन्यवाद जनाइछंती प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हैरिसको सह कथाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कोविड महामारी सह लड़ा टीका जोगाइ देबा अमेरिका सहयोग हाथ बढ़ाई धन्यवाद जनाइछंती प्रधानमंत्री मोदी कमला हैरिसको सह आलोचना संपर्क प्रधानमंत्री ट्वीट कर सूचना देवास प्रवासी भारतीय मानकर भारत को सहयोग को मध्य प्रशंसा करिसथि प्रधानमंत्री मोदी मोदी कहिसथि अमेरिकार उपराष्ट्रपति वैक्सीन सहयोग सहित कोविड परवर्ती परिस्थिति रे विश्वर स्वास्थ्य तथा आर्थिक पुनरुद्धार पई उभय देश मिलित भाबे काम करिवे बोली आशा व्यक्त करिसथि वाइस प्रेसिडेंट हैरिस कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वाज अ पॉजिटिव एंड वार्म कन्वर्सेशन Prime Minister thanked Vice President Kamala Harris for the assurance of vaccine supply to India. Prime Minister also appreciated the support and solidarity from the US government, industry, Congress and diaspora. Bharatara Bidesh Mantri S. Jayashankar America jai desara covid pratishedhak tika prastut pai avashyakya kanchamal anibara byabostha karichanti. Covid ra pratham parjayare भारत आमेरिकार खराब समय पर्याप्त परिमाण में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन औषध जोगाई देथिबारु बाइडेन प्रशासन भारत को विपदर बंधु बोली विचार करुथिबा आमेरिकार अधिकारी माने प्रकाश करथिले टीका तयारी पई कंचामाल समेत आमेरिकार भारत को टीका जोगाण आम देश को कोविड विरुद्ध लड़ाई में बेस सहायक हेबो ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज बुलेटिन रे खबर आगो को जारी रही पाले समय एक छोट ब्रेक रहा ब्रेक पर स्वागत आज खोल कि टीका ग्लोबल टेंडर टीकाकरण को सुव्यवस्थित करने राज्य सरकार आह्वान कर ग्लोबल टेंडर रो वर्धित तारीख पर आज खोल पूर्वर मे 10 तारीख दिन कैबिनेट डाकी राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर आह्वान करते सेपरी अधिक कंपनी को आकृष्ट करने मे 21 तारीख में टेंडर सर्तर पर आनी बाद मे 28 तारीख में टेंडर खोलार था मात्र राज्य सरकार बात्या परिस्थिति जो तारीख को घुंचाई तेज यार भितर राज्य स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री चिठी ग्लोबल टेंडर आशा उपर पा पकड़ एवं देखिवार बाकी रहा 18-44 वर्ष प्राय 2 कोटी लोक मागणा टीका देवाई राज्य सरकार को घोषणा केते वास्तव रूप ने दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए बाबद आलोचना आम सहित जोड़ दिव्यज्योति कह ग्लोबल टेंडर को नहीं जो चर्चा लग रही यार मध्य पद्म घुंचे घुंचे गला गोटे पर गोटे तारीख घुंचुची कह आज समस्त नजर रही वास्तविक आज टेंडर खोलुची कि नाई कौन संपर्कित अपडेट आसुची देखो नवेदन निश्चित भाव में ग्लोबल टेंडर को नहीं गोटे प्रकार वितर्क लगि रही यार भितर आप जानते राज्य सरकार जितेबाला मे 10 तारीख में ग्लोबल टेंडर डक नहीं घोषणा करते कैबिनेट डाक निष्पत्ति नहीं से समय ही कहकला 19 तारीख भितर प्री बिडिंग क्यों माने आग्रह प्रकाश कर प्री बिडिंग जरिया डक ओडा को टीका जोगाई देते से विषय में संपूर्ण भाव निष्पत्ति निश तारिख में आप देखिए राज्य सरकार पुणी कैबिनेट डाकिले जो सर्तावली रही टेंडर ताकु परिवर्तन कले कहले जेहेतु अधिक कंपनी आम आकृष्ट करा चाहूँ ओडिशा को आने चाहूँ से मैंने ओडिशा को किपर टीका जोगाइ देते से आम सर्तावली परिवर्तन कलु 28 तारिख में रही टेंडर खोलार किंतु 28 तारिख दिन राज्य सरकार बात्यार आल देखाइले कहले बात्या परिस्थिति रही आम बर्तमान 7 दिन टेंडर को प्रक्रिया को घुंचाऊ टेंडर आसंता 4 तारिख अर्थात आज खोलार समय धार्य होता किंतु आज जहाँ पूर्व सूचना मुताबक 11टा सुधा
आपण देखिबे जो फाइनेंशियल बिडिंग खोलिबा कथा किंतु ए पर्यंत कोनोसी सरकार पक्षरु सेबळी जहाँ सूचना मिलूना जे प्रकृत टेंडर आज खोलुच्छे कि ना अंपटे जहाँ शुणा को मिलूँ जहाँ चर्चा हो राज्य सरकार पुणि थे ये जो टाइमिंग को एक्सटेंड कर पारती आ गोटे नुआ तारीख घोषणा कर पारती टेंडर प्रक्रिया खोलियापाई निश्चित भाव में जो आशा आशंका रही के ग्लोबल टेंडर खोल क्यों को कंपनी भाग नौते टीका ओडिशा को मिली से नजर रु यार भितर देखते आप राज्य स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को जो चिट्ठी लिखिंस से कही जो ग्लोबल टेंडर राज्य सरकार डाकि लिमिटेड देखिए बहुत कम कंपनी आसी से केन्द्र सहायता लोड़े केन्द्र टीका किणी राज्य को जोगा बोली से लिखाई और आ गोटे कथा देखिए मुख्यमंत्री दुई दिन तले समस्त राज्य मुख्यमंत्री मानक चिट्ठी लिखते किभली केन्द्र टीका किणी समस्त राज्य जोगाई देव से दिगरे समस्त राज्य स्वर में मिलित भाव में बर्तमान स्वर उत्तोलन कर आवश्यक अच्छी कही सहित अनेक गुड़े परामर्श जे महामारी को आम समस्त सामना करते मिलमिशी सामना कर आवश्यक रही है किसी परामर्श देते कि से ही समय ही जना पड़ा जो राज्य सरकार जो ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया क्यों ना क्यों धीरे धीरे धूलिसात हो गत काली निजे जे रही ग्लोबल टेंडर कमिटी फाइनेंशियल कमिटर जे हेड रही सी बी के महांती से स्वीकार करते ग्लोबल टेंडर में कौन से ग्यारंटी नाला केवल गोटे आम चेष्टा करूँ चेष्टार विफल होता को से स्वीकार करते तेज आज को जो अपेक्षा था तेज बर्तमान सरकार कौन कर प्रक्रिया को घुंचा कि आउ थे रिटेंडर कर समस्त नजर रही दिव्य जे आपत कहते जे राज्य सरकार जो घोषणा करते कौटना कौटी ए घोषणा बर्तमान धूलिसात हो समस्त नजर रही आज जेहे आप कहते बर्तमान सुधा कौन सूचना ना तापर नजर रही है यार मध्य 18-44 वर्ष वयस्कों को जो 2 कोटी लोक मगणा टीका जोगाबे राज्य सरकार घोषणा करते ये केव रूप नौपर नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित बाबद आलोचना करते आसवा परवर्त खबर को पुणी रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला आरबीआई लगातार षठ थर पर रेपो रेट अपरिवर्तित रही रेपो रेट 4% और रिभर्स रेपो रेट 3.35% अपरिवर्तित रही है घोषणा करिसेंति आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास यासह अन्य कौनसी क्षेत्र में मध्य कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही यार अर्थ लोकक ईएमआई उपर कौनसी प्रभाव पड़िब नाही ए बाबद आलोचना करिबा राजीव साहू चार्टर्ड अकाउंटेंट आम सहित जोड़ श्रीयुक्त साहू आपको आलोचना को स्वागत करी जहाँ खबर रही पुणी रेपो रेट अपरिवर्तित रखी आरबीआई वास्तविक जदि रेपो रेट अपरिवर्तित रही है कौन प्रभाव पकड़ साधारण लोक देखो प्रथम कथा रेपो रेट अपरिवर्तित रहा द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऋण दि जाए बैंक मैंने ऋण दिखती कंज्यूमर मान को से रेट अपरिवर्तित जनरली रहे एवं ता द्वारा जो ईएमआई दबा को पड़े सेटा मध्ये कोनोसी फरक आसे नै एवं सेतिकि ईएमआई जोटा कि लोकंक पई सुविधा से माने जानी चंती जे केते तांको ईएमआई दबा को पड़े एवं सेई रेट रे से माने दबा द्वारा तांको पूर्वरु जो रेट रे दउथले ईएमआई सेई रेट रे मध्ये देबे तेनो सेटा होचे साधारण लोकंक निश्चय सुहाइबो तृतीय कथा होचे वर्तमान परिस्थिति रे रेट अपरिवर्तित रहिबा स्वागत योग्य कारण वर्तमान रेट बढ़े ता अर्थनीति को पुणी थे पछकू टाणी कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट जिते जिते बढ़े से अर्थनैतिक प्रगति ह्रास पाए कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ी जाए तेणु आमको वर्तमान परिस्थिति रे आरबीआई जो डिसीजन नहीं मॉनिटर पॉलिसी जो यूनानिमस डिसीजन नहीं रेट को अपरिवर्तित रखा आम स्वागत करवा किंतु यही समय गोटे बड़ जिनस आमको जो ग्रोथ आकलन आरबीआई कर 10.5% रु ऊर्ध बर्तमान डाउनवर्ड रिवाइज करके 9.5 को रखी तार कारण हूँ आम जो प्रथम क्वार्टर जो संक्रमण द्वारा लॉकडाउन शटडाउन करने को बाध्य हलु तार फलस्वरूप आम बर्तमान डाउनग्रेड करुचु आगामी दिन में जदि संक्रमण न बापे एवं आमे पुणी थरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को फास्ट ट्रैक करी परिवा
ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ କିଛିଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାଉନଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, କରୋନା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଯଦିଓ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ଭୁଷିବା ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏହାରି ବୋଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିବନି ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେପୋ ରେଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଆନ୍ତା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଟାକୋଟି ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ଯଦି ହ୍ରାସ କରିବେ, ଆଇଦର ତାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ ଉପରେ କିଛିଟା ବାଧା ହବ, କିମ୍ବା ଡିପୋଜିଟ୍ ରେଟ୍କୁ ଆହୁରି କମେଇବେ। କାରଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ରେଟ୍ ଯଦି କମାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଇନକମ୍ ଆଉ ଥରେ କମିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରିପୋ ରେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ପଲିସି ରେଟ୍, ଏବଂ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 4% ରିପୋ ରେଟ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ରେଟ୍ 5.5-6.5% ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କମେଇବେ ରିପୋ ରେଟ୍, ତାମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମିବ, ଯେଉଁଟା କି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ହଇରାଣ କରିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ତା ଦ୍ୱାରା କମିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ RBI ମନିଟରୀ ପଲିସି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାଗମାପ କରିକି ଏ ଡିସିସନଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପୁଣି ଥରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି RBI, ଯାହାକି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ, ତେବେ ଲଗାତାର ପାଖାପାଖି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଖବର ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭାଲୁ ପଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ବଡ଼ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭାଲୁ ପଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ପଲ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାଲୁ ପଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଲୁ ପଲଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଏହି ଘଟଣାରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରହିଛି ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ। ଫୋନିର ଠିକ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅନେକଙ୍କୁ ମିଳିନି ଘର। ଆଜି ବି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ କଟୁଛି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୋନିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଘର କେବେ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳୁନି ସହାୟତା। ଆଜି ବି ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୋନି, ଏସବୁ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ଫୋନିରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଭା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରୁଡ଼ା ଗାଁର। ଫୋନିରେ ବାସହରା ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ, ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଚାର ଛପର। ଆଜି ବି ସେହି ଚିତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସେହିଭଳି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 10-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏମିତି ଫନି ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ମହାବାତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଚାଳ ଘର ଅଛି, ଯେମିତି ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳିବା କଥା ସେମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଚୁଲିରେ କେବଳ ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ମୋଦି ବାବୁ ଦେବାରୁ ଏତକ ହିଁ ହେଉଛି, ନଚେତ ଆମେ ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ବି ଖାଇପାରୁନଥାନ୍ତୁ। ସରକାର ଥିବା ଯାହା ନଥିବା ସହିତ ସମାନ, କାହିଁକିନା କେବଳ ସିଏ ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଧଳା ଭାଲୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଅଛୁ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲାନି, କି ଜରି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆମେ ଉଡ଼ି ଆଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଗଲା। ଆମେ ପର ଘରେ ଯାଇ କେତେ ପଶିବୁ, ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ମିଳିଲାନି କି ପଲିଥିନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଯୋଜନା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫୋନିରେ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କ ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ିଥିଲା। ନା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଗଲା, ନା ଘର ମିଳିଲା। ଫୋନି ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ସହାୟତା ଗଲା କୁଆଡେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଘରେ ଥିଲୁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା,
ଆଉ ଏଇ ଘରକୁ ଫେରେ ଧାରେ ଉଦ୍ଧାରେ କରି ଏ ଘରକୁ ଟେକା ଟେକି କରିକିରି ଘର ସଜାଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି। ସରକାର ତ କାହାକୁ ଦଉଁନ୍ତି, ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଘର, ଆଉ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦଉଁନ୍ତି, ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଦଉଁନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ସିଏ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଗରିବ କିଏ ଧନୀ। କେବଳ ମୁରୁଡ଼ା ଗାଁ ନୁହେଁ, ପୁରୀର ଅନେକ ଗାଁରେ ଦୃଶ୍ୟ ସମାନ। ଫୋନରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳିନି ଘର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ, ବିଜେଡ଼ି ଶାସନର 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଜରିପାଲ ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ। 2014 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ସଭିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର। ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଗରିବ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଛି। ଫନି ବାତ୍ୟାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଜରିପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ, କେତେ ଗରିବ ଖଟିକିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକର ହେବ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିବା ଖେଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ। 2022 ଫିଫା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କତାରଠାରୁ 61 ଗୋଲ୍ରେ ହାରିଲା ଭାରତ। ବିପକ୍ଷ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅବଦିଲ ଅଜିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 33 ମିନିଟ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର 70 ମିନିଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଡିଫେଣ୍ଡର ରାହୁଲ ୱେକେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ 10 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତ। ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ର 9 ମିନିଟ୍ରେ ରେଫରୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ ୟେଲୋ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଜୁନ୍ 7ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଡ଼ ସରୁଛି, ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।